Zergite. NCI. इसमें बोल सकते हैं इट इज कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ CI. ठीक है, आप CI यदि सीखना चाहते हो, यदि कोई भी कंटेंट्स आपको डिस्कस करना है CI के अंदर या इसके फंक्शनैलिटी को देखना चाहते हो, तो कोडिग्नाइटर आपको बाय डिफॉल्ट यूजर गाइड प्रोवाइड करता है. इट इज़ कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ CI. ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? इट विल बी प्रेजेंटेड अंडर CI सॉफ्टवेयर पैकेज. ये CI के अंदर जो सॉफ्टवेयर पैकेज आप डाउनलोड करते हो, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, कोडिग्नाइटर के अंदर जब आप कोडिग्नाइटर ओपन करते हैं तो आपके पास मोस्टली एप्लीकेशन फोल्डर, सिस्टम फोल्डर और यूज़र गाइड फोल्डर, तीन फोल्डर्स रहते हैं. कौन कौन से रहते हैं? एप्लीकेशन, ये किसके लिए होता है? फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट. जो भी एप्लीकेशंस आपको डेवलप करना है उसका पूरा डिटेल आपको एप्लीकेशंस में रखना है. सिस्टम क्या होता है? कंटेन प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी. जितने भी प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होते हैं वो सब के सब कहाँ पे रहते हैं? दीज लाइब्रेरीज विल बी एग्जिस्ट ऑन सिस्टम. प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज एंड हेल्पर्स, ड्राइवर्स, प्लगइन्स, ये सब आपको कहाँ पर मिलेंगे? सिस्टम के अंदर मिलेंगे. मतलब सिस्टम में आपको कभी भी कुछ भी नहीं करना है. सिस्टम इज एक तरह से आप बोल सकते हो कि सिस्टम क्या होता है? एक पर्टिकुलर फोल्डर है, एक पर्टिकुलर पैकेज है जो प्रीडिफाइंड फंक्शनैलिटी को, जो लाइब्रेरी को कंटेन करता है. ठीक है, और तीसरा फोल्डर होता है यूजर गाइड. ये होता है कोडिग्नाइटर का ट्यूटोरियल फोल्डर. इट इज अ ट्यूटोरियल ऑफ CI. कोडिग्नाइटर का जो ट्यूटोरियल है दैट इज कॉल्ड यूजर गाइड. ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज अ ट्यूटोरियल ऑफ CI. ओके, तो ध्यान रखना कि यदि आपको कोडिग्नेटर के अंदर कुछ भी पढ़ना है तो आपको इंटरनेट यदि आपके पास नहीं भी चल रहा है तो आप ऑफलाइन मोड में भी यूज़र गाइड के थ्रू चीज़ों को सीख सकते हो. ठीक है, तो वही चीज़ें कैसे आप यूज़र गाइड को ऑपरेट करोगे वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे वैलिडेशन की लिस्ट ही देखनी है कि भाई कौन कौन से वैलिडेशन के क्लासेस हैं. ठीक है, तो ये आप यूज़र गाइड में जाइए. यूज़र गाइड के अंदर index.html, मतलब आप ये समझ लो कि एक हेल्प फाइल ये आपको बना के देता है. पूरे CI के अंदर के एक एक कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे. ओपन इन ब्राउजर्स. ठीक है, कौन से पेज में गया? यूजर गाइड में गया, index.html को मैंने क्लिक किया. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद आपको जो भी सीखना, जैसे कोडिग्नेटर के बारे में आपको पता करना है भाई कोडिग्नेटर क्या है. यहाँ पे देखो लिखा है कोडिग्नेटर इज अ एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. ये पूरा आपको यूजर गाइड के अंदर पूरा डिटेल बता देगा. हु इज कोडिग्नेटर फॉर, ठीक है, कोडिग्नेटर्स के किसने बनाया या क्यों बनाया. हु इज कोडिग्नेटर फॉर के अंदर बता देगा आपको कोडिग्नेटर कौन, मतलब कौन है कोडिग्नेटर, कोडिग्नेटर किसके लिए है. ठीक है, आप बता सकते हो कि यू वी वॉन्ट ए फ्रेमवर्क विद स्मॉल फुटप्रिंट. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था फंक्शनैलिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा रीच है, लाइट वेट फ्रेमवर्क है, यही पूरी चीज़ें इसके अंदर है. इंस्टॉलेशन कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने में आप लोग जब कहीं घूमने उमने चले जाओगे और वापस आओगे तो हो सकता है सब चीज़ें आप स्किप कर दो. तो यहाँ से आप फिर से देख लेना कि कोडिग्नेटर को हम इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं. ठीक है, कोडिग्नेटर का पूरा ओवरव्यू सेशन रहेगा. गेटिंग स्टार्टेड क्या है, कोडिग्नेटर एट अ ग्लैंस, सपोर्टेड फीचर्स, एप्लीकेशन फ्लो चार्ट, कि कोडिग्नेटर कैसे चलता है, कि पहले मैं बताया था आपको पहले index.php फाइल होती है, फिर वो रूटिंग में जाता है, फिर सिक्योरिटी चेक करता है, फिर कंट्रोलर्स आता है, फिर कंट्रोलर से व्यू लोड होता है, फिर कैशे में जाता है. ये पूरा फ्लो, कंट्रोलर से क्या कनेक्ट होता है मॉडल, कंट्रोलर से क्या कनेक्ट होते हैं लाइब्रेरीज, कंट्रोलर से क्या कनेक्ट होते हैं हेल्पर्स. तो ये कोडिग्नेटर का पूरा क्या है, एप्लीकेशन फ्लो चार्ट. यहाँ से आप पूरा समझ सकते हो कि कोडिग्नेटर कैसे वर्क करता है. ओके, मॉडल व्यू कंट्रोलर्स क्या होता है यदि आपको पढ़ना है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ लेकिन आपको फिर से और एक बार पढ़ना है अच्छे से तो भी पढ़ सकते हो कि मॉडल रिप्रेजेंट्स योर डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, टिपिकली योर मॉडल्स क्लासेस विल कंटेन फंक्शंस दैट हेल्प्स यू रिट्रीव, इंसर्ट एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन इन योर डेटाबेस. ठीक है, व्यू का काम क्या होता है कि जो भी आपके HTML कंटेंट्स होते हैं वो व्यू में रहते हैं, और बिजनेस कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएटर होता है बिटवीन मॉडल्स एंड व्यूज. कौन? कंट्रोलर्स. ठीक है, आर्किटेक्चर गोल्स क्या है, MVC बनाने का फ़ायदा क्या है, MVC क्यों बनाया गया, तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर पूरा थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं. ठीक है, फिर ट्यूटोरियल में उसने एक छोटा सा मतलब पूरा ट्यूटोरियल बना के दिखाया है कि स्टैटिक पेजेस कैसे बनाते हैं,
ठीक है, आप चाहो तो स्टैटिक पेज कैसे कॉल किया जाता है, क्या इसका पैरामीटर होता है, इसका यूआरएल पैटर्न क्या होता है, कैसे कंट्रोलर बनाते हैं, एक एक चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, अब मैं तो आपको इस जैसे मुझे वैलिडेशंस देखना है कि भाई मुझे वैलिडेशंस के अंदर कौन कौन से वैलिडेशंस हैं, तो आप लाइब्रेरीज में क्लिक करिए। जैसे आप लाइब्रेरीज में क्लिक करेंगे तो आपको पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, जैसे ये बेंच मार्किंग क्लास की, ई मेल क्लास की, इंक्रिप्शन क्लास की। तो हमें कौन सी लाइब्रेरी में जाना है? फॉर्म वैलिडेशन। आप इस फॉर्म वैलिडेशन लाइब्रेरी में जैसे ही जाओगे, हालांकि एक एक एग्जाम्पल भी बना के देता है कैसे यूज़ करना है। आप इस तरीके से फॉर्म बनाओ, देखो ये पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने बना के दिखाया है। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर इसने पर्टिकुलर ये फॉर्म है आपका HTML का फॉर्म, HTML तो सभी को आता ही होगा, तो ये फॉर्म आपको सभी को समझ में आ ही जाएगा। मैंने ये मेथड्स भी आपको बताया था, यदि आपको याद होगा तो मैंने ये मेथड्स भी गो थ्रू किया था। कौन सा? वैलिडेशन अंडरस्कोर एरर्स। ठीक है, यहाँ पर आप वैलिडेशन अंडरस्कोर एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं आपको क्लास करा चुका हूँ, ये बता चुका हूँ कि सेट अंडरस्कोर रूल्स क्या होता है। ठीक है, सेट अंडरस्कोर रूल्स आपको वैलिडेशन के रूल्स सेट करने के लिए होता है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक पूरा टेबल दिखाता हूँ जहाँ पर जितने भी टाइप के वैलिडेशन होते हैं उनकी पूरी लिस्टिंग दी हुई है। आप इस पूरे वैलिडेशन को देखते जैसे रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आप यहाँ पे बता दिया इसने कि रिक्वायर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिक्वायर्ड का क्या काम है, ये आपको पूरा इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दो वैलिडेशन से यूज़ करके बताया, वैसे ही सभी को यूज़ करना है। जैसे मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर के लिए कोई कोड नहीं लिखना है, बस वहाँ पर लिखना है वैलिड अंडरस्कोर मोबाइल। ठीक है, यह वैलिड अंडरस्कोर मोबाइल, सॉरी, यदि नहीं होगा तो आप मैनुअली बना भी सकते हो, भाई मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए, 10 डिजिट का, तो वहाँ पर आप लगा दो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक मैक्स लेंथ, ठीक है, मिन लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ, जैसे आपको मोबाइल नंबर 10 डिजिट ही होना चाहिए, यहाँ पे लिख दो एग्जैक्ट अंडरस्कोर लेंथ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 10 डिजिट ही होगा। ठीक है, आपको यदि कोई पासवर्ड है, पासवर्ड कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, यहाँ पे लगा दो वहाँ पे ग्रेटर देन 5, तो पासवर्ड क्या होगा, 5 डिजिट होगा। पासवर्ड सिर्फ अल्फाबेटिकली होना चाहिए, तो वहाँ पे सिर्फ क्या लिख दो, अल्फा। ठीक है, पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक दोनों होना चाहिए, यहाँ लिख दो अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक और स्पेस तीनों लेना है तो अल्फा न्यूमेरिक स्पेस, अल्फा और डैश लेना है तो यहाँ पे अल्फा डैश, सिर्फ न्यूमेरिक होना चाहिए, जैसे मोबाइल नंबर सिर्फ न्यूमेरिक होना चाहिए तो वहाँ पे क्या लगा दो, न्यूमेरिक लगा दो। इंटीजर होना चाहिए तो आप सिर्फ इंटीजर लगा दो, डेसिमल होना चाहिए डेसिमल लगा दो। ठीक है, नेचुरल है तो नेचुरल नंबर लगा दो, यूआरएल आपका वैलिड है तो वैलिड लगा दो, ईमेल वैलिड है तो वैलिड लगा दो, आईपी एड्रेस वैलिड है तो वैलिड लगा दो। ये सब बने बनाए क्या है, पहले से पूरे के पूरे वैलिडेशंस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको इसके अंदर पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी। आपको जो भी वैलिडेशंस यूज़ करने हैं वो वैलिडेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। आया समझ? जैसे पासवर्ड मैचिंग का है, यहाँ पे मैच लिख दो, किससे मैच करना है, जिस भी पर्टिकुलर कॉलम से मैच करना है उस कॉलम का नाम लिख दो। जैसे आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, TXT पास, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, TXT सी पास, तो आप वहाँ पे क्या लिख दोगे, डॉलर दिस फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन सेट अंडरस्कोर रूल्स TXT पास, और वहाँ पे लिख दो पासवर्ड, और वहाँ पे क्या लिख दोगे आप वैलिडेशन में लास्ट में, मैच और TXT सी पास। तो अपने आप को क्या करेगा, कंफर्म पासवर्ड से चेक कर लेगा। ठीक है, तो इसको आप इंप्लीमेंट करके देखना, और ये जो एग्जांपल दिया है इसके अंदर, इस एग्जांपल को एक बार चला के देखना। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, कौन सा एग्जांपल है, ये पूरा बना करके दिया है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें यूजर नेम है, पासवर्ड है, पासवर्ड कन्फर्म है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, ये चीज़ें आप बना के देना। फॉर्म अंडरस्कोर ओपन की जगह अभी आप फॉर्म टैग ही यूज़ कर लेना, कौन सा टैग, फॉर्म टैग। तो ये एग्जाम्पल आप चला के देखो, ओके। तो इससे मतलब मेरा मोटिव ये है इस सेशन का कि हम यूज़र गाइड की क्या इंपॉर्टेंसी है, कि यूज़र गाइड क्यों दिया होता है कोडिंग राइटर के फोल्डर के अंदर, दैट थिंग आई हैव डिस्कस्ड, ओके।